राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा 52वें स्थापना दिवस पर संचौली महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। राज्य कर एवं आबकारी विभाग अपने 52वें स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी के चलते बुधवार को राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा संचौली महाविद्यालय में भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति एवं सामाजिक ढांचे पर वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के व्यापक प्रभाव संबंधी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शिमला जिला के सभी महाविद्यालयों से नामित छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कर एवं आबकारी विभाग की सहायक आयुक्त पूनम ठाकुर ने कहा कि इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 5,000, द्वितीय 3,000 एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को ₹2,000 के अलावा विभागीय स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा यहां पर उपस्थित छात्र छात्राओं के मध्य वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली संबंधी प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। ताकि हम अपना जो स्थापना दिवस है हमारा 52nd, उसके उपलक्ष्य में हम विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। वो जो टॉपिक है आज के डेक्लेरेशन कॉन्टेस्ट का, इम्पैक्ट ऑफ GST और इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी, ये जितना भी कर का व्यापक प्रभाव है हमारी पूरी सोसाइटी पे, राजनीति पे और अर्थव्यवस्था में, विभिन्न वर्गों का, क्योंकि इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन रहती है, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, जैसे कि हमारे विद्यार्थी भी हैं, तो डेफिनेटली इसका बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा रहेगा। इससे बच्चे भी सीखेंगे और उनकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग भी होगी। जिला शिमला से लगभग सारे ही महाविद्यालयों से विद्यार्थी यहाँ पे आए हैं। 10 प्रतिभागी हैं जो अभ्यर्थी हैं, जो डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सभागार में जितने भी बच्चे हैं उनसे हम क्विज कॉम्पिटिशन भी कंडक्ट करेंगे। और जहाँ तक आपके प्राइस की बात है, तो जो फर्स्ट विनर रहेगा उसको हम राशि जो है 5,000 रुपये रहेगी, उसके साथ साथ हमारे मोमेंटोस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। सेकेंड आने वाले विद्यार्थी को 3,000 और जो थर्ड रहेगा उसको 2,000 और मोमेंटो और जो सर्टिफिकेट्स हैं पार्टिसिपेशन के भी सभी को वितरित किए जाएंगे। अर्थ प्रकाश के लिए शिमला से देव की रिपोर्ट।